मोदी की एक ही गारंटी मुसलमानों से नफरत की गारंटी है। वो 2002 से सिर्फ नफरत के मजाहरे कर रहे हैं। सुना आपने असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं? नहीं तो फिर सुनिए। मोदी की एक ही गारंटी मुसलमानों से नफरत की गारंटी है। वो 2002 से सिर्फ नफरत के मजाहरे कर रहे हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सबको अपनी बात कहने का हक है। इसी परंपरा के तहत AIMIM के चीफ अपनी नाराजगी शब्दों के जरिए बयान कर रहे हैं। रुसवा करना, उस तरह से उनसे नफरत। ओवैसी ने पीएम मोदी के बांसवाड़ा में दिए गए मंगलसूत्र और मुसलमानों के बयान पर पलटवार करते हुए बहुत ही तल्ख लहजे में अपनी बात कही। ओवैसी ने पीएम पर पलटवार करते हुए कहा कि वे इस तरह के बयान देकर देश को कमजोर कर रहे हैं, लेकिन खबर इतनी ही होती तो खबर ना होती। ओवैसी ने केवल पलटवार ही नहीं किया बल्कि प्रधानमंत्री मोदी पर काफी संगीन आरोप भी लगाए। मोदी की एक ही गारंटी मुसलमानों से नफरत की गारंटी है। वो 2002 से सिर्फ नफरत के मजाहरे कर रहे हैं। देश के मुस्लिम सियासत में जाना पहचाना चेहरा बन चुके ओवैसी प्रधानमंत्री मोदी से खासे नाराज दिखाई दिए। उन्होंने पीएम मोदी से सवाल किया कि क्या वो मुसलमानों के प्रधानमंत्री नहीं है। उन्होंने कहा वे देश के 140 करोड़ लोगों के साथ मुसलमानों के भी प्रधानमंत्री हैं और उन्हें इस तरह की बात शोभा नहीं देती। पीएम मोदी के बयान पर हो रही राजनीति के बीच में हैदराबाद लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता भी कूद गई। माधवी ने खुद को मुसलमानों के सबसे बड़े शुभ चिंतक बन रहे ओवैसी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि ओवैसी जैसे लोग समाज में विष घोलने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी खुद की कौम को बर्बादी की ओर ले जाते हुए एक बार भी नहीं सोचते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतनी योजनाएं लाई हैं, क्या किसी योजना पर हिंदू मुसलमान लिखा है? जब असदुद्दीन खुद के कौम को बर्बादी के ऊपर लेके जाते हुए ये एक बार भी नहीं सोचे कि प्रधानमंत्री जी जो इतने योजनाएं लेके आए हैं, बताइए कौन से योजना पर हिंदू मुसलमान लिखा हुआ है? बताइए, दो टर्म से प्रधानमंत्री सबको साथ लेके निकल रहे हैं। अरे असदुद्दीन अकबरुद्दीन जैसे लोगों को तो मुंह बंद करवा देना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के वजह से कितने भी हम योजना लेके आए वो आम जनता के अंदर विष डाल रहे हैं बंदा। पीएम के बयान के बाद राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है। लगातार बयानबाजी देखने को मिल रही है। चुनाव के बीच इस तरह के बयान वोटर्स को संशय में भी डाल सकते हैं कि आखिर वे जाएं तो किधर जाएं। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।